महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है कि लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था, एक इसमें हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, कि हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग ने कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया, और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही सब जगह बहाली में, हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया स्वयं सहायता समूह में, कितनी बड़ी संख्या, तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है।